हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बैक चैनल। आपका दोस्त मोहम्मद अंसार बिलिंग गंडरसन टेक्नोलॉजी फिर से हाजिर है। दोस्तों, मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ मेन गेट का ग्रुस। पहले हम लोग कैसे जाम करें, जाम करने के बाद दूसरा दिन हम लोग मेन गेट लगाएंगे। तो आज इसी टॉपिक पर बात करूंगा। तो अभी तक जो मेरे चैनल में नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि सबसे पहले नए आप तक पहुँच सके। चलिए दोस्तों, देखिए जी फ्रेंड, आप देख सकते हैं, जो आप ये मेन गेट को देख सकते हैं, इस गेट को लगाने के लिए पहले ग्रुस जाम करते हैं। और ग्रुस को मैं ढलाई करके पैक कर दिया हूँ। आप देख सकते हैं जितना हाइट पर करना है, जैसे हम यहाँ 3 इंची हाइट पर गेट लगाएंगे, 3 इंची हाइट करके जो है ग्रुस को जाम कर दिया हूँ। अब यहाँ से हम पाइप लेवल करने के लिए 3 फीट पर धागी लगाएंगे। जैसे आप देख सकते हैं, एक फीता लेंगे नीचे का, यहाँ से या यहाँ से, तो मैं यहीं से ले लेता हूँ और यहाँ से 3 फीट पर धागी मार दे रहा हूँ। दोस्तों, ये 3 फीट पर धागी जो है मैं मार चुका हूँ। अब देखिए, यहाँ से वहाँ तक पाइप लेवल करेंगे। फ्रेंड, आप देख सकते हैं कि यहाँ से इस कॉलम से उस कॉलम तक मैं पहले से ही पाइप लेवल कर चुका था। तो आप लोगों को दिखाने के लिए फिर से हम पाइप लेवल पकड़ लिए, तो यहाँ से वहाँ तक जो है पाइप लेवल कर लिए हैं। और फ्रेंड, आप देख सकते हैं फ्रेंड, इसमें मसाला डाल दिया हूँ, क्योंकि डाउन ज़्यादा होने की वजह से तो मसाला इसमें डाल दिया हूँ। ये ग्रुस जो जाम करेंगे, तो ग्रुस बैठाने के बाद अगर मसाला डालेंगे तो ये ग्रुस ठीक ढंग से मतलब लेवल में रहेगा नहीं, ग्रुस बैठ जाएगा। इसलिए पहले मसाला दे रहा हूँ, उसके बाद ग्रुस बैठाएंगे। अगर बैठाना पड़े तो ठोक के बैठा देंगे। तो जैसे आप देख रहे, देखिए मसाला डाल चुका हूँ मैं, आप देखिए ऐसा करके बैठा रहा हूँ। आपको एक चीज ध्यान देना है कि यहाँ पे ये फीता खराब होने के वजह से मैं आपको इधर दिखा रहा हूँ। देखिए, 4 फीट पर आप पकड़ रहा हूँ, 4 फीट जो है 48 इंच से 53 इंच, यानी आपका 5 इंच इस कॉर्नर से 5 इंच लिए दो तो उतना 5 इंच वहाँ भी लेना है। तो आप देख सकते हैं 48 से 53, 48 से 53 दोस्तों, 48 से 53 ये 5 फीट पर ये भी लगा दिए। अब यहाँ से हम 3 फीट का लेवल पकड़ना है। 1 इंच बैठाना है, कर चुका हूँ। अब हम लोगों को दूरी देखना है, तो आप लोग पहले गेट को देखिए। ये गेट का ये बाहरी फेस जो है, आप देख सकते हैं बाहरी फेस, यहाँ से यहाँ तक भी सेंटर में आपका 66 इंच है फ्रेंड। आप देख सकते हैं 66 इंच, ऐसे इस पल्ला को भी आपको माप लेना है, यहाँ से यहाँ तक दोनों पल्ला को मापने के बाद पता चला कि 66 इंच है। 66 इंच 11 फीट होता है, और बीच में जो है हमको 1/2 इंच रखना है, यानी 11 फीट 6 इंच पर हम लोगों को लगाना है। देखिए फ्रेंड, यहाँ हमको सेंटर पकड़ना है, ये सेंटर सर। जी फ्रेंड, आप देख सकते हैं उस वक्त जो हम लोग जाम कर रहे थे, तो यहाँ बीच का गैपिंग जो है नहीं मिल पा रहा था, जिसके वजह से हम लोगों को प्लास्टर जो है तोड़ना पड़ा। तो प्लास्टर तोड़ करके फिर से हम इसको जाम किए। तो दोस्तों, ये बात आप लोगों को बता रहे थे कि यहाँ इस कॉलम से लेकर उस कॉलम तक ये ब्रूस का सेंटर से 11 फीट 1/2 इंच होना चाहिए, और ये ब्रूस का आउटसाइड से अगर आप लोग मापेंगे तो 11 फीट 2 इंच होना चाहिए। तो दोस्तों, हम लोग दोनों तरह से माप करके दिखा रहे हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि सेंटर से हम लोग माप लेते हैं, तो सेंटर से मापने के बाद आपका 11 फीट 1/2 इंच
दोस्तों एक्यूरेट मिल पा रहा है, आप देख सकते हैं 11 फीट हाफ इंच, यानी थोड़ा सा आपका एक्यूरेट जो है 11 फीट हाफ इंच हो गया। अगर बाहर कैसे पकड़ते हैं दोस्तों, बाहर से पकड़ने पर 11 फीट 2 इंच आप देख सकते हैं, 11 फीट यहाँ है 1-2 इंच, 11 फीट 2 इंच बाहर सेंटर पकड़ने पर। तो गेट का माप ही हम लोग ले चुके हैं कि 11 फीट सेंटर 11 फीट पे हम लोग गेट है, और बाहरी हिस्सा से लेंगे तो 67 यानी 11 फीट 1.5 इंच पर है। हाफ इंच बीच का गैप रखने के लिए, दो पल्ला के बीच गैप का रखने के लिए हम लोग 11 फीट 2 इंच पर हम लोग ब्रूस को बैठा दिए। ऐसे आप लोगों को भी बैठाना। तो दोस्तों अब हम लोग इसको ढलाई करके फाइनली कर देंगे, उसके बाद इसका प्रोसेस कल हम लोग फिर इस पर गेट बैठाएंगे। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आप लोग कुछ सीख मिला होगा, सीख मिला हो तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर, लाइक कर, बेल आइकन प्रेस कर, ताकि सबसे पहले नए नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। थैंक यू, धन्यवाद।